हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है। इसमें हमारे फाइव स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। देयर आर फाइव स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो पहला पॉइंट होता है हमारा कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, कि हमारे बिज़नेस में, जैसे हमने पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे जो बिज़नेस है उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेकिन हम सबको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जो कि मॉनेटरी नेचर की होती हैं या फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, ठीक है। लाइक रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, कमीशन पे, इंटरेस्ट रिसीव एटसेट्रा, ये सारी हमारी मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं, सेल परचेज, तो उन सबको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारी और इनके अलावा भी बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं पर उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो जाना, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके कारण वैसे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान तो होगा, लॉस तो होगा कि उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा, बट हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स में हमें फाइंड आउट करनी होती है कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिनको हम अपनी अकाउंटिंग में, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इनको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, जो हमारे कैश मेमोज होते हैं, इनवॉइस होते हैं, सेल्स इनवॉइस हो गया, परचेज इनवॉइस है एटसेट्रा, तो इनके थ्रू हम इन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ये इसका एविडेंस होते हैं हमारी ट्रांजेक्शन का। जो भी हम ट्रांजेक्शन आगे रिकॉर्ड करेंगे उनके लिए ये हमारा एविडेंस सबूत होते हैं कि इनके आधार पर हम आगे जाके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज, सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर्स को हम प्रिपेयर करते हैं। जब हमारी ट्रांजेक्शन्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें कौन सी ट्रांजेक्शन को अब अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हम वाउचर्स बनाते हैं। वाउचर्स जो होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से, जो भी उनको कन्वीनियंट लगता है उस अकॉर्डिंग वो बनाते हैं। और हर एक ट्रांजेक्शन का, एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का जो वाउचर होता है वो सेपरेट बनता है, ठीक है, जिसके बेस पर हम ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ये हमारा होता है सेकंड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। सो थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम वाउचर्स प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल एंट्री। तो वो हमारी कौन सी बुक होती है, वो होती है हमारी जर्नल। जर्नल जो होती है वो हमारी फर्स्ट प्राइमरी बुक होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है डे बाय डे, मतलब कि डेट वाइज, ठीक है, उस डेट वाइज हम जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बिजनेस है, वो हम स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हमारी कम होती हैं, तो वहाँ पर हम केवल एक ही बुक में सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं अगर हमारी ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड हैं। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि MNCs हो गई या ऑर्गेनाइजेशंस का स्केल जो है वो लार्ज है, वो मतलब उनकी सब्सिडरीज भी हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो एक ही बुक में अगर हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अकाउंटेंट के लिए उनको बाद में क्लासीफाई करने में। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में ही जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो जर्नल के साथ, इसके साथ हम सब्सिडरीज बुक क्रिएट करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी बुक लाइक परचेज बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक एटसेट्रा। इस तरीके से हम जो है बुक्स को, सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करते हैं अगर हमारी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में ज़्यादा होती हैं तो, और इन्हीं में हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड। स्टेप इज पोस्टिंग टू लेजर। जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स को लेजर बुक में पोस्ट करते हैं, उनको उनके वहाँ पर पोस्टिंग की जाती है। अब जर्नल के बाद जब हम लेजर में कैसे उनको पोस्ट करते हैं, उनको क्लासीफाई करने के बाद, जैसे मैंने अभी बताया जर्नल में जो है हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो हमारी कैसे भी नेचर की हो, सब मिक्स होती हैं, बस वो डेट वाइज हम उनमें रिकॉर्ड करते हैं। एक दिन में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, चाहे हमने सेल की, परचेज की, कमीशन रिसीव हुआ, रेंट पे किया, या कोई भी हमारे परचेज रिटर्न आया, हमने कोई परचेज कर रखा, परचेज किया था फिर उसको रिटर्न कर दिया, या सेल्स हमने कोई की थी वहाँ से हमें वापस आ गया सेल्स, तो ऐसे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन सबको हम एक बुक में रिकॉर्ड करते रहते हैं जर्नल में। लेकिन उसके बाद हम फिर करते हैं लेजर में पोस्टिंग। जो ट्रांजेक्शन्स एक जैसी होती हैं, सिमिलर नेचर की होती हैं, उनको एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है, और जो ऐसे करके हम अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, और जो ये अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं वो लेज़र बुक में क्रिएट किए जाते हैं।
ठीक है। अब लेजर अकाउंट में जैसे कि सेल्स अकाउंट क्रिएट किया जाता है, परचेज अकाउंट क्रिएट किया जाता है, रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन है उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग अकाउंट बना जाता है। लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे मैंने जर्नल में बताया था कि वहाँ पर हम सब्सिडरी बुक्स क्रिएट करते हैं, तो अगर हमारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होती हैं तो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था परचेज बुक, सेल्स बुक इन सब का। अब परचेज बुक का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम परचेज बुक सब्सिडरी बुक हो गई, और अगर हम लेजर में परचेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? परचेज बुक में जो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, परचेज बुक जो होती है वो जो जर्नल में हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक, उसमें केवल हम ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो हमने उधार परचेज की है ना केवल वही रिकॉर्ड की जाती है। और अगर हमने कोई भी कैश परचेज किया, जो हमने नगद माल ख़रीदा है सप्लायर से, वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज बुक में केवल हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो हमने कोई गुड्स ख़रीदा हो, फर्नीचर ख़रीदा हो, कितने भी सप्लायर से ख़रीदा हो, लेकिन अगर वो उधार ख़रीदा है तो हम उसे परचेज बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जनरल। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो हम लेजर में क्रिएट करते हैं, इसमें हम चाहे हमने परचेज जो की है वो कैश की हो या क्रेडिट की हो, जितना भी हमने माल ख़रीदा है वो सारा हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये है जो कि लेजर में क्रिएट किया जाता है। जैसे गुड्स अकाउंट, इसमें अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। गुड्स अकाउंट अलग हो गया, फर्नीचर का अलग अकाउंट बनाया जाएगा, तो ऐसे करके हम इसमें सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, और परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। सो लास्ट स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल स्टेटमेंट्स। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है कि जहाँ पर जिसको हम बनाते हैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए, कि जो हमने अभी तक पोस्टिंग की है लेजर में, जो पोस्टिंग की है और जो भी हमने जर्नल में एंट्री की है उसके बाद लेजर में जो पोस्टिंग की है, क्या वो हमने अभी तक वर्क सही किया या नहीं किया, वो हमें ट्रायल बैलेंस की हेल्प से पता चल जाता है। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में जैसे दो साइड होती है, एक डेबिट हो गई और एक क्रेडिट साइड होती है, अगर दोनों का टोटल इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि अभी तक जो हमने वर्क किया है लेजर में पोस्टिंग की है वो सही है। अगर इन दोनों का बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आता, अगर इम्बैलेंस है कि एक साइड ज़्यादा आ रही है और एक साइड कम आ रही है, तो फिर वहाँ पर हमारी इसमें हमें पता चलता है कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, या तो हमने कोई ट्रांजेक्शन को कहीं पर रिकॉर्ड करना भूल गए, एक साइड हमने रिकॉर्ड किया है, या हमने किसी ट्रांजेक्शन को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया है एक साइड पर। तो इस तरीके से हमें अपनी गलती का पता चल जाता है अगर हम यहाँ पर हमारे बैलेंस इक्वल नहीं आते तो, जिसके हेल्प से हम जो है अपनी लेज़र में जो भी हमने पोस्टिंग की है उनको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और ढूंढते हैं मिस्टेक हमने कहाँ की और उनको फिर से सही उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, और उसके बाद हम बनाते हैं फाइनल स्टेटमेंट्स। फाइनल स्टेटमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को जानने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और पीएनएल अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हमें होता है बिजनेस में। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, कि हमारे बिज़नेस में जो असेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमने ऑनर ने पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उससे जो भी हमने असेट्स खरीदी हैं और लाइबिलिटीज़ जो हमारी क्रिएट हुई हैं वो कितनी है, क्या पोजीशन है, उसे जानने के लिए हम बैलेंस शीट को क्रिएट करते हैं। तो बैलेंस शीट की हेल्प से जो है ऑनर फाइनेंशियल पोजीशन पता करता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फाइनल स्टेटमेंट्स, और यही हमारे 5 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग की प्रोसेस में यही 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। इन्हीं 5 स्टेप्स को फुल कंप्लीट करते हुए हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड फोर्थ वन इज पोस्टिंग टू लेजर, एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल स्टेटमेंट्स। थैंक यू।